एकेटीयू मॉक टेस्ट कैसे देना है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा हम लाइव प्रोसेस आपको दिखाएंगे। 3 से 4 मिनट में वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगी और आपको मैं रजिस्ट्रेशन करके और फिर कहाँ से देना है मॉक टेस्ट, कहाँ से सबमिट करना है, कैसे जानेंगे कि हमारा सबमिट हुआ कि नहीं, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए हम पूरा लाइव करते हैं बिना देरी के, आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एकेटीयू ईआरपी में आ जाए, आपको अपना लॉगिन और आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। एकेटीयू पोर्टल पे आप आ जाएंगे, यहाँ से आपको 3 ऑप्शन शो होगा। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका यूजर आईडी होगा, सेकंड होगा आपका पासवर्ड, थर्ड होगा आपका लॉगिन वाला लिंक, जहाँ से आपको लॉगिन, जहाँ से आपको एग्जाम देना है। तो इस पर आपको क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने शो होगा आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन को आपको चेक कर देना है। उसके बाद चेक करने के बाद फिर यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट वाले क्लिक सबमिट करने के बाद फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट, यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। यहाँ से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना, यहाँ से लॉगिन आईडी आपका रोल नंबर होता है, पासवर्ड जो मैंने बताया था अभी पीछे वो है, और यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो हमें कमेंट करना, हम आपको बता देंगे, या फिर आप एकेटीयू को मेल कर सकते हैं, या फिर एकेटीयू हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको 3 से 4 बार लॉगिन करना है और पासवर्ड डालना है, कंटिन्यू करना है। तो आपको पासवर्ड अपना कहीं पर लिख लेना है या फिर याद कर लेना है, ठीक है, मोबाइल से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से आपका जो है आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका सारा नेम और आपका रोल नंबर सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा, पूरी डिटेल्स यहाँ पे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से आपको जो है आई एग्री पे, यहाँ पे जो आपको चेक कर देना, जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आई एग्री वाले, इस पर चेक करके फिर यहाँ से प्रोसीड पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको सब कुछ पूरा मिला लेना है कि आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह सही है कि नहीं। अगर आपको कोई मिस्टेक है तो आपको एकेटीयू हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट इस तरीके से आएगा, जब वहाँ से आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, थैंक यू योर एप्लीकेशन इज नाउ कंप्लीट, काइंडली लॉग इन अगेन फेस ट्रेनिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो कैप्चर करेगा, 2 फोटो आपका लेगा। उसके बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहें आपका जो है आप पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो है लैपटॉप या फिर जो है मोबाइल से देते हैं तो आपका 4 ऑप्शन शो होगा, आपका कैमरा चेक करेगा, आपका माइक चेक करेगा, आपका जो है ब्राउजर चेक करेगा, आपकी स्पीड चेक करेगा। चेक करने के बाद यहाँ से जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ से ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ से ब्लू प्रोसेस नाउ पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से इंस्ट्रक्शन आपका आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे, फिर यहाँ से प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जब एग्जाम दे लेंगे, एग्जाम देने के बाद सारे क्वेश्चन सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, सबमिट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ से यस सबमिट, हाँ ऐसे सबमिट करें तो सबमिट वाले क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ से आपका जो है टेस्ट सबमिट हो चुका है। तो ये था पूरी इन्फॉर्मेशन कि मैंने आपको 2 से 3 मिनट में बता दी। तो इस तरीके से आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए चीटिंग कहाँ से कैसे कर सकते हैं, जो कि सेफ तरीका, देखिए इस तरीके से काफ़ी सारे छात्रों ने इसका यूज़ किया है, बट हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं चीटिंग तो ये सबसे सेफ तरीका, बट हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए मैं आके दिखा, तो यहाँ से आप मोबाइल नीचे रख सकते हैं, जैसे यहाँ से इस तरीके से कुछ छात्रों ने किया था, क्या किया था, यहाँ पे लैपटॉप रखे हैं, एक टेबल है छोटा वाला, ये मोबाइल है यहाँ नीचे, और यहाँ साइड में आप बैठेंगे और ये आपका छोटा मोबाइल रहेगा, जो भी मोबाइल रहेगा, यहीं से आप चीटिंग कर, यहीं से आप जो है यहाँ पे स्क्रीन में देखिए कैमरा ऊपर होता है, यहाँ से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो यहाँ बैठ के आप चीटिंग कर सकते हैं। और इससे टेबल से नीचे ही आपका मोबाइल होना चाहिए, तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। और हम ये कहेंगे कि पहला आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, जब ना आए तब इसको यूज़ करिए, बट मैं फिर कह रहा हूँ आप न यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि सही नहीं है चीटिंग करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, हमने 2 से 3 मिनट आपको समझा दिया, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।